सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि अशोक लेलैंड जो 10% गिर चुका था आज के मार्केट के सेशन में, तो उसकी गिरावट की वजह क्या थी। हमने देखा था कि एक जो मार्जिन था इस कंपनी का, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, उसमें थोड़ा सा मिस आया था क्योंकि एनालिस्ट जो एस्टीमेट लगा रहे थे कि इतना मार्जिन आना चाहिए, उससे थोड़ा कम आया था। तो हमने देखा कि इसमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ आते हुए देखा। तो क्या एक वही रीजन है कि हमने अशोक लेलैंड में इतना लंबा सेल ऑफ आते हुए देखा? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो भी आया है वो जो पिछले क्वार्टर से अभी भी इम्प्रूवमेंट आया है, पर तब भी ये स्टॉक गिरा क्यों? तो उनके एनालिस्ट के एस्टीमेट से नहीं आया, पर इतना नहीं गिर सकता था। कोई ऐसे कोई रीजन होंगे जिस वजह से अशोक लेलैंड गिरा है, और अब गिर तो चुका ही है तो कितना और गिर सकता है कि हम और लोअर लेवल्स बनते हुए देखने को अशोक लेलैंड में मिल सकते हैं। बहुत से लोगों की होल्डिंग्स है अशोक लेलैंड के अंदर, तो अब उसमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग अपने पोर्टफोलियो में से होल्ड करके रखते हैं, और मेरे पास बहुत से व्यूअर्स के भी मेरे कमेंट्स आए थे, मुझे फोन कॉल आए थे कि अशोक लेलैंड में अब क्या करना चाहिए, कहाँ सपोर्ट मिल सकता है अशोक लेलैंड को और कितनी और ऊपर जा सकता है, क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो वो आज मैं इस वीडियो के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस है, चार्ट के अंदर लेकर जाऊंगा, और आपको कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स तो मालूम है ही, आपको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल मालूम है कि एक कमर्शियल सेक्टर के अंदर है। मैं आपको एक फंडामेंटली वीडियो में लेकर जाता हूँ जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका फंडामेंटली कैसा स्ट्रांग है कि नहीं है अशोक लेलैंड। उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि आगे इसमें अपसाइड है कि या डाउनसाइड ही दिखाएगा। तो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर मैंने अशोक लेलैंड का खोल के रखा हुआ है। तो फंडामेंटली अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको टेक्निकल्स भी दिख रहे होंगे, माइंडली बुलिश हमें देख रहे हैं। अगर हम आज की बात करें, आज के दिन को हटा के बला हम इस वीक को हटा के देखें तो टेक्निकल्स बहुत बुलिश तो नहीं कह सकते, पर माइंडली बुलिश है। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते हैं इस कंपनी के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जो नेट सेल है उसमें भी हम 40% तक का इंक्रीज देखते हैं ईयरली बेसिस में, और प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स में भी हम क्वार्टरली बेसिस में 50-60% तक का इंक्रीज इस कंपनी के अंदर देखते हैं। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। वैल्यूएशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 70 रुपए से ये जो 170 तक बढ़ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें तो ये एक सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसका अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर 40% तक का ग्रोथ एस्टीमेट आता है इनका रेवेन्यू। अगर हम इस कंपनी के वेबसाइट में जाते हैं तो अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इन लोगों ने पोस्ट करके रखा हुआ है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल व्हीकल की इंडिया में, और फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बसेस की पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये की लार्ज कैप कंपनी है। हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत सा सेल ऑफ आ रहा है, तो उसके लिए भी वीडियो में बनाने वाला हूँ कि वो सेल ऑफ क्यों आ रहा है, क्या एक रीजन आ गया जिसकी वजह से उसके अंदर सेल ऑफ आना शुरू हो गए हैं। और अगर हम बात करें कि 12th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये पूरे ग्लोबली ट्रक्स की, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये इस ईयर में, मतलब 2019 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 40 या 50 सेगमेंट्स और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, 40 प्रोडक्ट्स और 40 सेगमेंट्स लॉन्च कर रही है, जो इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। हम कहना चाहें तो 1-2 हजार करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इसमें करने वाले हैं। तो इस कंपनी में अगर हम बात करें, आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, और जिसमें ग्रोथ है वही स्टॉक ऊपर जा सकता है। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया था। तो पहला रीजन यही है कि वैल्यूएशन इस कंपनी के बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, जिसकी वजह से इसमें एक करेक्शन आना था। तो हमने देखा था कि 170 के लेवल से इससे ही इसमें करेक्शन आना शुरू हो गया था। हमने देखा था कि 155 का एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट बन गया था जिसे ये क्रॉस नहीं कर रहा था, उसके बाद इतने इसमें डाउन साइड आते हुए देखी, तो अब हम कह सकते हैं ये करेक्शन थोड़ा डल चुका है और अब ये शायद वैल्यूएशन में आ जाए। अगर हम इसकी वैल्यूएशन चेक करना चाहें तो अगर हम इसके वैल्यूएशन में चलते हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यूएशन दिख रहा होगा, आप यहाँ वैल्यूएशन देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्नैपशॉट आपके लिए रखा हुआ है। तो 121 जो एक था 121 प्राइस के ऊपर अगर अशोक लेलैंड बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सपेंसिव हो सकता है, यानी वेरी एक्सपेंसिव बन सकता है। पर अब 121 के ऊपर बार बार निकलेगा तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि हमें सेल ऑफ करना है। इस कंपनी का वैल्यूएशन तभी हम कह सकते हैं सस्ता होगा जब ये कंपनी अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करती रहेगी, जैसे अपना CAGR इंक्रीज करेगी, और हम कह सकते हैं इस कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंटली क्वार्टरली टू क्वार्टरली इंक्रीज हो रही है और ये बहुत से नए सेगमेंट्स लाने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो इस कंपनी में अपसाइड बाकी है। हमने देखा था ये वैल्यूएशन इसके थोड़े एक्सपेंसिव हो गए थे, तो पहला रीजन ये था कि ये 10% तक करेक्ट हो गया। दूसरा रीजन स्लाइटली मार्जिन था जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको मैं मार्जिन की तरफ लेकर जाऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, मार्जिन पिछले क्वार्टर से बहुत अच्छे आए हैं। आपको मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, आप ऑल डाटा शो करते हैं तो ऑल डाटा में आप देख सकते हैं सितंबर 16 से लेकर मार्च 18 तक इसने कंसिस्टेंटली अपना ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज करते दिखाया। मतलब कह सकते हैं सितंबर 16 से लेकर मार्च 18 तक ये दुगना हो चुका है। आप देख सकते हैं दिसंबर 17 क्वार्टर में जो इसने ऑपरेटिंग इनकम अपनी पोस्ट करी थी वो 7113 करोड़ थी, और अब मार्च 18 में उसकी ऑपरेटिंग इनकम जो आई है वो 8772 करोड़ आई है। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज कर रही है, और इस तरह का टोटल एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहेगी, अपने सेगमेंट्स को बढ़ाना चाहेगी, तो इसके अकॉर्डिंगली टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमने कंसिस्टेंटली इंक्रीज आते हुए देखा है। जो ये 450 का जो लेवल था इस प्रॉफिट के ऊपर वो कंसिस्टेंटली नहीं निकल पा रही थी, पर उसने एवर 667 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड किया था अपने इस क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर जो भी था मार्च 2018। अगर हम बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग मार्जिन में जो मिस आया था, आप देख सकते हैं मार्च 2017 में 10.29% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, जो अभी जो मार्च 2018 में आया है वो 11.77% का आया है। तो एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कर रहे थे कि 12% तक का इसमें आना चाहिए ऑपरेटिंग मार्जिन, और आया 11.77, तो बहुत छोटा सा मिस था, और हम कह सकते हैं ये मिस उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था। पर अब इसमें इतना लंबा करेक्शन नहीं आना था, इतना लंबा करेक्शन आने का मतलब यही था जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत ओवर वैल्यूएटेड स्टॉक हो गया था, बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, तो इसमें करेक्शन आना लाजमी था। और अगर हम इसके चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसका कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ, ये एक जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पर इंडिकेटर लगाया हुआ, टूल लगाया हुआ, और यहाँ पर मैंने 200 और 150 DMA के लेवल्स भी यहाँ पर बनाए रखे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने देखा था कि 170 का जो इसका लेवल था उसमें उसने हाई बनाया था, वहां के बाद से हम कंसिस्टेंटली इसमें डिक्रीज आते हुए देख रहे हैं। तो ये डिक्रीज आने का मतलब क्या है? अब ये हम कह सकते थे कि ओवर वैल्यूएटेड हो गया, जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ। अब वहां से हमने देखा कि इस लेवल 144 तक इसने सस्टेन करा था, 144 में कंसिस्टेंटली सस्टेन करना चाहिए था क्योंकि ये रिट्रेसमेंट लेवल था, पर हमने देखा इस लेवल को भी इसने ब्रीच करा, और जो कि 100 का EMA लेवल था 144-143 रिट्रेसमेंट लेवल, उसको ब्रीच करके हमने नीचे के लोअर लेवल्स बनते हुए देखे, और ये 50% के रिट्रेसमेंट को भी ब्रीच करके नीचे क्लोजिंग दी है इसने। अब नीचे क्लोजिंग दिया तो अब हम इसमें कह सकते हैं इसका सपोर्ट कहाँ बन गया है। अब इसका जो सपोर्ट बन गया है 61.8% के रिट्रेसमेंट और जो 200 DMA का लेवल है जो कि है 128-129 का जो लेवल है अशोक लेलैंड के अंदर। तो हमने देखा आज इंट्राडे में उसने उस लेवल को टेस्ट नहीं करा, वरना उसमें जाके उसने अपना लो नहीं बनाया। तो हम कह सकते हैं ये एक इसका स्ट्रॉन्ग काम कर सकता है, सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने इसमें होल्डिंग बनाई हुई है या अगर आपको इसमें फ्रेश बाय चाहिए तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये 130 के आसपास आता है, अभी भी 134 के आसपास है, कल मार्केट में हमें देखना होगा कि ये इसके नीचे जाके सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर हम कहें अगर ये इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें लोअर लेवल्स हैं वो 120 या 110 तक के आते भी अशोक लेलैंड के अंदर आते वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। पर हम ये नहीं कहेंगे कि हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं माइल्डली नेगेटिव है, पर ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर हम इसके हम वीकली चार्ट में आते हैं तो वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने कंसिस्टेंटली 70 रुपए के लेवल से, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से कंसिस्टेंटली मूव दिया 170 के लेवल तक।
थोड़ा लाजमी इसमें गिरावट आना तो लाजमी था क्योंकि ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गया था। तो अभी करेक्शन आया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया था कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो वीकली चार्ट्स में भी 50 ईएमए का जो लेवल है वो वहीं पर ही 125 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा अशोक लेलैंड के अंदर। और वहां से अगर आपको पास में मिलता है तो आप अपनी फ्रेश बाइंग भी बना सकते हैं, एवरेज करके अशोक लेलैंड को बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक स्ट्रक्चर है और आपको ये और ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है आने वाले 1-2 साल के अंदर। तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है तो अपने होल्डिंग्स में से जरूर रखिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया है, कितनी अपसाइड और कितना डाउनसाइड दिखा सकता है। तो अभी हमने देखा कि ओवर वैल्यूड हो गया तो ये शायद थोड़ा बहुत करेक्शन और दिखा दे, तो जितना करेक्शन दिखाएगा मैं उस हिसाब से आपको बताते रहूंगा। और आप एक स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं 125 का, हम देख सकते हैं वीकली चार्ट में भी 50 ईएमए का जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 127-128 के अराउंड, तो वहां पर हम शायद कह सकते हैं कि वहां से एक बाउंस बैक अशोक लेलैंड के अंदर हमें देखने को मिल जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपके लिए फंडामेंटली जो वेबसाइट है वो लेकर आने वाला हूँ जिससे आप स्टॉक्स का चयन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो उसको देखने के लिए मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस के साथ बने रहे। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।